दोस्तों LNJP हॉस्पिटल में अब आधुनिक रेडिएशन मशीन से भी कैंसर के इलाज की सुविधा फ्री में उपलब्ध होगी। जी हाँ दोस्तों, 25 करोड़ की लागत से ये मशीन मंगाई गई है जो अब तक के कैंसर के इलाज में सबसे आधुनिक मशीनों में से एक है। हाई एंड एनर्जी वाली लीनियर एक्सीलेटर कैंसर मशीन कई मायनों में बाकी रेडिएशन मशीनों से बेहतर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हाई डोज दिया जाता है लेकिन बहुत कम समय के लिए, यानी हाई डोज की वजह से कम समय में इलाज पूरा हो जाता है। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि नवंबर में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दोस्तों, आपको हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट के अनुसार भी बता दें कि LNJP में जो मशीन लगाई गई है वो हाई एंड एनर्जी है। इसमें 5 एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है और 2 एनर्जी प्रोटॉन की है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें प्लैटिनिंग फिल्टर फ्री बीम है जिससे हाई डोज रेट से रेडिएशन की जा सकती है और इसमें समय कम लगता है। कम समय के लिए हाई डोज देने से भी इलाज पूरा हो जाता है। डॉक्टर ने दावा किया है कि एम्स में ये मशीन है लेकिन LNJP की मशीन उससे भी आधुनिक है। हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक मशीन इंस्टॉल कर दी गई है लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है। रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेटर लिख दिया गया है, वहां से परमिशन मिलने के बाद इसे शुरू किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि नवंबर तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि एडवांस हाई एंड एनर्जी से कैंसर का इलाज उन मरीजों में किया जाता है जिनमें फोसर रेडिएशन की जरूरत होती है। ये कम समय में बेहतर इलाज करती है। दोस्तों, इस आधुनिक मशीन से अगर प्राइवेट सेंटर में इलाज कराया जाए तो खर्च 5 से 7 लाख रुपए आता है, जबकि लोअर एनर्जी वाली मशीन से इलाज का खर्च 2.5 से 3 लाख रुपए है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि LNJP में इलाज पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। हॉस्पिटल में हर साल 2,500 से ज्यादा कैंसर के मरीज अपना इलाज करवाने यहाँ आते हैं। यहाँ कैंसर का डिपार्टमेंट एम से भी पुराना है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि PG की पढ़ाई भी सबसे पहले यहाँ पर ही शुरू हुई थी। दोस्तों, डॉक्टर का कहना है कि ट्रीटमेंट सेशन में कम समय लगता है, इसलिए अब हम ज़्यादा मरीजों का इलाज उतने ही समय में कर पाएंगे। ये कैंसर के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।